जैसे मोदी जी आ गए और लॉकडाउन की घोषणा कर दिए, है ना। सो वॉट एवर इंफॉर्मेशन दैट द प्राइम मिनिस्टर इज, है ना, ब्रॉड इट्स द ब्रॉडकास्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कि अब ये सबके लिए है, तो जो सुन पाया उसको ये इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है। सो कम्युनिकेशन के मोड क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, और दूसरी चीज हो गई अपनी ब्रॉडकास्ट, कि जो भी उसको उस इंफॉर्मेशन को लेना चाहे सबको मिलेगी, है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में एग्जांपल हम लोग देते हैं हमेशा, एग्जांपल क्या देता है कि टेलीफोन, इसको टेलीफोन ही बोलते हैं कि यार इंडिविजुअल पर्सन का नंबर तुम्हारे पास सेट है, रिसीवर तुमको पता है तो फोन कर लो, पॉइंट टू पॉइंट हो गया। ब्रॉडकास्टिंग में क्या हो गया एग्जाम्पल, यार चलो रेडियो में कोई भी बकबक कर रहे हैं, उस चैनल को या फिर उस फ्रीक्वेंसी को आप सेट कर लो, आपको जो भी वहां चल रहा है सब सुनाई देगा सब। या फिर टीवी, आपने जो भी चैनल ऑन किया है वहां पे जो भी कुछ चल रहा है वो तो पूरी दुनिया में सबको वही देखना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट। तो पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट आपको समझ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो फिर और आते हैं अपने बेसिक चीजों पे, दैट इज ट्रांसमीटर, चैनल एंड रिसीवर। तो ट्रांसमीटर में हमने देखा कि यार एक सिग्नल होता है, सिग्नल एनालॉग या डिजिटल होता है, और ट्रांसड्यूसर की मदद से उस सिग्नल को, है ना, पहुंचाया जा सकता है। फिर और क्या दिक्कतें आती है इसके बीच में, दैट इज नॉइज, और वो भी देख लिया हमने। फिर एक आती है रेंज की दिक्कत, क्योंकि हमको डिस्टेंस तक पहुंचना है, ना, या बैंडविड्थ की। तो रेंज क्या होती है, रेंज मतलब डिस्टेंस, तो जितना दूर तक कम्युनिकेशन अच्छे से पहुंच पाए, है ना, उतना अच्छा है हमारे सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये होता है रेंज इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। बस कीवर्ड्स से आपको मैं फेमिलियर करा रहा हूं, नोट्स आप डिटेल में देख सकते हो। फिर बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ मतलब भी एक रेंज होता है, लेकिन बैंडविड्थ किसका किसका हो सकता है, बैंडविड्थ हो सकता है सिग्नल का भी, या बैंडविड्थ हो सकता है मीडियम या चैनल का भी, ठीक है। तो सिग्नल जो है, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो वॉइस या ऑडियो, ऑडियो का एक सेट फ्रीक्वेंसी है, पर मैं जो बोल रहा हूं उसका एक फ्रीक्वेंसी हो सकता है, लेकिन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी का रेंज, जैसे मैं सिग्नल के बैंडविड्थ की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, यह हमारा स्पीच सिग्नल या ऑडिबल जो हम सुन पाते हैं ह्यूमन बींग्स, इस रेंज में होता है। तो कोई साउंड या वॉइस जिसकी होगी, हर इंसान की अपनी अपनी अलग फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन वो रेंज जो हम सुन पाते हैं वो उतनी ही होगी। तो ये एक बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ मतलब क्या, एक रेंज, कि यार 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी हो सकती है किसी भी ऑडिबल या किसी भी वॉइस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। या फिर मीडियम का भी एक बैंडविड्थ होता है, मीडियम का बैंडविड्थ मतलब आप किसके ऊपर डिपेंड करता है मीडियम, तो मीडियम में आप वायर्ड कुछ यूज कर रहे हो क्या, वायरलेस है क्या, या फिर ऑप्टिकल फाइबर आपने यूज किया है क्या, है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि यार वो रेंज क्या हो। तो बैंडविड्थ के वजह से इंडिया में बहुत प्रॉब्लम हुआ है, जैसे आपने देखा होगा कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 2G स्पेक्ट्रम क्या हुआ था, 2G, जैसे अब हम लोग यूज कर रहे हैं जैसे 2G सेकेंड जनरेशन, 3G 4G, ठीक है। तो क्या हुआ था, बैंडविड्थ में ये जो चैनल अलोकेशन या फिर जो फ्रीक्वेंसी अलॉट करनी थी, अब बड़े बड़े वर्ड यूज कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है। तो ये 2G का स्कैम हुआ था इंडिया में, चेन्नई के एक मिनिस्टर थे हमारे, टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा नाम से, उन्होंने ये स्कैम किया था बहुत बड़ा। मतलब ये जो हमारी सेट बैंडविड्थ है
किसी एक कंपनी को बेची, ये बैंडविड्थ किसी एक कंपनी को बेची, ये बैंडविड्थ किसी एक कंपनी को बेची, उसमें उन्होंने बहुत पैसे खा लिए, ठीक है। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। इसके अगर आप अगर इंटरेस्टेड है तो मैं इसके ऊपर भी पूरा डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं। फिर अगर सिग्नल, मतलब सिग्नल ट्रांसफर के लिए, मतलब ये हाईवे जैसा है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि यार 2G का स्पीड ज्यादा है कि 4G का, ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली पता है, आप क्या बोले, क्या सर 4G का स्पीड बहुत ज्यादा है, जियो है हमारे पास, ठीक है। तो हम ये बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन, जैसे पहले इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नहीं था, जैसे जियो जो लॉन्च हुआ है, जो 4G नेटवर्क है, उसका 3G नेटवर्क है ही, 4G है डायरेक्टली, क्योंकि पूरी दुनिया में, मतलब इंडिया में जो ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क है ये जियो ने बिछा दिया पहले, मतलब सबसे ज्यादा उन्होंने खर्चा किया ऑप्टिकल फाइबर का सेटअप करने में पूरी कंट्री में, या समंदर में, मतलब ओशंस में, सीज में पूरा नेटवर्क होता है इसका। मैं इसके वीडियो के एंड में वो पिक्चर डाल दूंगा अगर आपको चाहिए, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर का पूरा जाल की वजह से अब 4G का स्पीड इतना अच्छा है ना, तो ये क्या है, बैंडविड्थ बड़ा है, बैंडविड्थ मतलब एक रेंज बड़ा है, जहां से, मतलब एक हाईवे है, तो बड़ा हाईवे तो ट्रैफिक जाम कम होगा, इजीली गाड़ियां स्पीड से, और हाईवे भी है और उसमें स्पेसिंग भी है बैंडविड्थ की, तो क्या होगा, हाई स्पीड से गाड़ियां भागेंगी, ठीक है। 3G में उससे कम होगा, 2G में उससे भी कम होगा। तो ये इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है ये हम इसमें यूज करते हैं। तो बैंडविड्थ सिग्नल का भी हो सकता है, बैंडविड्थ मीडियम का भी हो सकता है, चैनल का भी हो सकता है, समझ में आया क्या। तो पर्टिकुलर जैसे बैंडविड्थ की मैं बात करूं, तो जैसे आप रेडियो सुनते हो, रेडियो, तो रेडियो जो सुनते हो आप, वो रेडियो 88 MHz 108 MHz की रेंज में ही होता है। तो आप देखते हो, अगर मैं इसको और एलैबोरेट करूं थोड़ा सा, समझो इसको, आज का टॉपिक जनरल टॉपिक है, तो थोड़ा सा नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि रेडियो का यार फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ यही है, तो रेडियो हम कैसे सुनते हैं, वायरलेस तरीके से सुनते हैं कि यार वहां से कहीं तो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, किसी एक दिल्ली से, या फिर हर सिटी में एक स्टेशन होता है, वहां से ब्रॉडकास्ट की जाती है इंफॉर्मेशन। अगर आपने उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेट कर लिया तो आप इजीली उस इंफॉर्मेशन को सुन पाएंगे, जैसे 92.7 BIG FM, FM क्यों बोला है मैं बताता हूँ, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। 93.5 Red FM सुनते हैं हम लोग, 98.3 रेडियो मिर्ची चैनल्स के नाम है, मुंबई में ये चैनल्स चलते हैं, मुंबई पुणे में, या फिर नागपुर में भी आप देखेंगे ये चैनल्स। तो ये फ्रीक्वेंसीज है ना, जैसे गवर्नमेंट का एक चैनल आता है 100.7 आकाशवाणी, है ना, प्रसारित करता है बातमियां, ऐसा कुछ सुनाई देता है उसको। सो ये इसी रेंज में आपको हमेशा मिलेगा, क्योंकि ये बैंडविड्थ अलॉट कर दी है कुछ एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, होती है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, जैसे इंडिया में ये अथॉरिटी है जो सारा कुछ देखती है, जैसे TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ नाम है इनका, ट्राई। तो ये सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन ये लोग देखते हैं कि किसको कितना बैंडविड्थ अलॉट करना है, कौन से चैनल को कितना देना है, ये सारा ये लोग देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज बातें हैं जो जनरलाइज तरीके से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आपको रेंज क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, रेंज मतलब कितना दूर तक आपका कम्युनिकेशन सिस्टम हो पाएगा, है ना, और ये सारी बातें, ठीक है, समझ में आ रही है। चलो यार बहुत हो गया, मैं पॉज करके देखोगे, लिख लो। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको मैं थोड़ा सेपरेटली बना रहा हूं, ठीक है। सो मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन एंड रिपीटर्स, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो जैसे ही आपके पास एक सिग्नल है जो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को ही, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ही आगे बढ़ने देगा, वो एनालॉग है या डिजिटल है। लेकिन यार मैं तो जो बोल रहा हूं, है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या उसका जो स्ट्रेंथ है ना, वो मुझे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, मतलब एक फॉर्म से, मतलब ये जो बोल रहा हूं ऑडियो, ऑडियो से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में तो कन्वर्ट हो जाएगा, पर हमने
कम्युनिकेशन सिस्टम में दिक्कत देखी थी कि यार एक ट्रांसमीटर है, ये चैनल है और ये रिसीवर है, तो यहां से जाते जाते नॉइज एंटर हो रहा है, इधर से नॉइज एंटर हो रहा है, और लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर मुझे भेजना है तो क्या अटेन्यूएशन हो रहा है, मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है, तो दिक्कत क्या हो रही है कि द प्रॉब्लम विद दिस इज कि हमारे जो चैनल में नॉइज आएगा या फिर उसको कंट्रोल करने, मतलब अगर हम उसको कंट्रोल हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा मैसेज सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और डिस्टॉर्ट अगर हो गया तो उसको रिसीवर एंड पे बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते हैं पहले ही उसकी स्ट्रेंथ खराब ना हो, वो थक ना जाए, इसीलिए उस सिग्नल को, है ना, जो सिग्नल था हमारे पास, सिग्नल किस फॉर्म में था, या तो एनालॉग फॉर्म में था या तो फिर डिजिटल फॉर्म में था, राइट, डिस्क्रीट वे में था, ठीक है, या तो शार्प 1 0 1 0 इस फॉर्म में डिजिटल सिग्नल ट्रेवल करते हैं, एनालॉग सिग्नल था, तो इसमें क्या हो गया कि ये जो सिग्नल है जिसकी स्ट्रेंथ जो ऑलरेडी वीक है, या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी, हर चीज हम फ्रीक्वेंसी के ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन अभी हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, तो मॉड्यूलेशन इज नथिंग बट सेफ गार्डिंग दिस सिग्नल, ये जो हमारा सिग्नल है एनालॉग फॉर्म में, इस सिग्नल को किसी एक ज्यादा स्ट्रेंथ वाले सिग्नल पे बिठा देंगे। ज्यादा स्ट्रेंथ वाला सिग्नल मतलब क्या, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो आप खुद अगर चल के जाओगे तो आप थक जाओगे, ऑब्वियसली अटेन्यूएशन हो जाएगा, एनर्जी खत्म होती जाएगी आपकी, और आप कुछ दूसरे सिटी में जाके काम करने लायक नहीं बचोगे, बिकॉज एनर्जी तो आपने पूरी ट्रैवलिंग में लॉस कर दी, राइट, लॉस हो गई आपकी एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, ये जो ओरिजिनल सिग्नल है इस सिग्नल को इस कैरियर पे बिठा दो, कैरियर मतलब जो ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्टर है आपका, ठीक है, इस ओरिजिनल सिग्नल को इस सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज कर दो, क्या कर दो, सुपर इम्पोज बिठा दो उसके ऊपर, तो आपकी एनर्जी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप क्या करोगे, बस से जाओगे या ट्रेन से जाओगे या प्लेन से जाओगे, ठीक है, तो आपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज किया, तो वैसे ही मॉड्यूलेशन है ना, इसीलिए यूज करते हैं हम लोग कि ये ओरिजिनल सिग्नल है, इसको हम इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं, बिठा देते हैं, और कैरियर ट्रेवल करता है, और फिर जैसे ही हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं ये ओरिजिनल सिग्नल उतर जाता है इससे, है ना, हम उस प्रोसेस को बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन, क्या बोलते हैं इसको, डीमॉड्यूलेशन, है ना, तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन एक साथ ही, मतलब एक चैनल के लिए हो सकता है, इसीलिए आपने कंप्यूटर में भी देखा होगा एक डिवाइस रहता है दैट इज कॉल्ड एज मॉडेम, क्या होता है, कंप्यूटर में भी डिवाइस रहता है मॉडेम, मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, है ना, तो मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है, मॉड्यूलेटर एक डिवाइस है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सुपर इम्पोज करेगा, इसके ऊपर बैठ जाएगा और फिर ट्रैवल करेगा और ये सिग्नल उतर जाएगा, तो सिग्नल को उतरने का काम किसका है, डीमोडुलेटर का है ना, डीमोडुलेशन का है, ठीक है, समझ में आई ये बात, फिर रिपीटर्स बहुत सारे, रिपीटर्स क्या करते हैं, सपोज ये अर्थ है, यहां पे एक सिग्नल है, ये पहाड़ी पहाड़ी वाला एरिया है अर्थ के ऊपर, ठीक है, मतलब ये टावर है अपना, एंटीना है, एंटीना, इसने सिग्नल दिया, लेकिन सिग्नल हमको यहां पहुंचाना है, इस गांव में पहुंचाना है, ठीक है, यहां तक तो पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि ये पहाड़ है यहां पे, सो व्हाट विल इट डू, यहां पर एक टावर अगर है, ठीक है, सो दिस सिग्नल विल रीच हियर, है ना, तो रिपीटर में क्या होता है, इसमें ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों की इक्वल स्ट्रेंथ वाला डिवाइस होता है जो कि उस सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा नेक्स्ट टावर तक, नेक्स्ट टावर तक ट्रांसमिट करेगा, सो दैट
इसकी स्ट्रेंथ अगर कम भी हो गई तो उसको रीअरेंज करके क्या कर जाए, पहुंचा दे। मतलब ये काम क्या कर रहा है कि खाना प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वहां तक जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम ना हो इसलिए वहां से और दूसरे डायरेक्शन में फेंक देगा। मतलब आप एक एग्जांपल ले लो कि सपोज मेरे पास आइडिया का, मेरा नेटवर्क है आइडिया का और मुझे फोन करना है, लेकिन मुंबई में बैठा हुआ है कहीं दूर जिसको मुझे फोन करना है, ठीक है, लेकिन उसके पास जियो का फोन है। सो व्हाट विल हैपन, थ्रू माय फोन आई विल डायल द नंबर, माय सिग्नल विल गो टू द आइडिया सब्सक्राइबर फर्स्ट, क्योंकि मैं आइडिया का है ना फोन यूज करता हूं। आइडिया वाला अपने डायरेक्टरी में पूरा छानबीन करेगा कि किसका नंबर है, किसका नंबर है, किसका नंबर है, और फिर वो बोलेगा यार ये तो जियो वाले का नंबर है, लेकिन जियो का टावर तो वहां पे है ना, यहां होगा जियो का टावर। सो व्हाट विल हैपन, कोई एक मीडिएटर को ढूंढ लेंगे जो कि इसकी स्ट्रेंथ को खराब ना होने दे, उसकी तरफ भेजेगा नियरेस्ट को, और वो नियरेस्ट वाला उसको भेजेगा। तो ये इसका नियरेस्ट है और ये इसका नियरेस्ट है, तो ये मीडिएटर जैसा काम कर रहा है ना, तो रिपीट कर रहा है। जैसे अपने पास भी होते हैं रिपीटर बच्चे, तो क्या कर रहे हैं उनका पढ़ाई, मतलब उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बूस्ट लेके एक साल और ज्यादा प्रिपेयर करके किसी एग्जाम को अपियर करते हैं। दैट्स व्हाट द केस इज, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड नो, और उसको थोड़ा सा समराइज करने के लिए आप कुछ चीजें देखो। जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम में तीन बेसिक ब्लॉक्स है, तीन बेसिक ब्लॉक्स, एक ट्रांसमीटर, एक चैनल, एक रिसीवर, ठीक है। तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होने चाहिए, इसीलिए उसको लगेगा ट्रांसड्यूसर, है ना। ट्रांसड्यूसर या तो एनालॉग या फिर डिजिटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके देगा। फिर ट्रांसमीटर उसको मॉड्यूलेशन करके उसकी स्ट्रेंथ खराब ना हो या फिर उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो नॉइस की वजह से, उसको मॉड्यूलेट करेगा। मॉड्यूलेशन के बाद वो चैनल में भेजेगा, तो चैनल में या तो वायर यूज कर सकते हो आप, वायरलेस हो सकता है, या फिर ऑप्टिकल फाइबर्स आप यूज कर सकते हो। फिर आप यहां भेजोगे रिसीवर की तरफ, तो रिसीवर में डीमॉड्यूलेटर होगा जो उसको रिट्राइव करेगा उस सिग्नल को, राइट, और रिट्राइव करने के बाद वो मैसेज सिग्नल को यूज कर लेगा। अगर उसकी स्ट्रेंथ कम है तो वो क्या कर लेगा, एम्पलीफायर यूज कर लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। तो दिस वॉज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम विच इज वेरी इजी। अगर आपको कुछ और ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो प्लीज मुझे बताइए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। सो दिस वॉज मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन एंड रिपीटर, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं।